नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। आज हम बात करेंगे अशोक गहलोत की विधानसभा की, जहां कौन सा प्रत्याशी उनके सामने उतारा जाएगा। जी हां, जो कि राजस्थान के 2023 के जो चुनावी दंगल है उनका ऐलान हो चुका है। अब नजरें और इंतजार सबसे हाई प्रोफाइल सीट सरदारपुरा पर है, जो कि सीएम अशोक गहलोत का गढ़ है। ऐसे में कौन सीएम अशोक गहलोत को टक्कर देगा, ये सवाल अभी सुलगने शुरू हो चुके हैं। और इस कड़ी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाएं उनकी बाजार में गर्म है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके घर में घेरने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को सरदारपुरा से चुनाव में उतारने की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। यदि बीजेपी शेखावत को सरदारपुरा से उतारती है तो क्या गहलोत के इस अभेद गढ़ को कभी भेद पाएगी बीजेपी? गहलोत 5 बार विधायक बन चुके हैं और उन्हें हराने के लिए भाजपा कई बार नई नई रणनीतियां बना चुकी है, पर कामयाब नहीं हुई। यही कारण है कि गजेंद्र सिंह सरदारपुरा को लेकर चर्चाओं में है। 2018 के चुनाव में अशोक गहलोत ने बीजेपी के प्रत्याशी शंभु सिंह खेतासर को तकरीबन 45,547 वोटों से पटकनी दी थी। अब लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच शब्द युद्ध चल रहा है, लेकिन उसका असर 2023 के चुनाव के परिणाम पर निर्भर करता है कि कौन किसको पटकनी देता है। अब सब टकटकी लगाए हुए दिल्ली की ओर देख रहे हैं। वहीं 2019 के जो जख्म थे वो अभी कहीं ना कहीं ताजा हैं, जिंदा हैं। जब 2019 में लोकसभा चुनाव में शेखावत ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा वोटों से मात दी थी, कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब सियासी मजबूरियां कहें इसको या फिर इनको आमने सामने लाकर खड़ा कर दें, ये सियासी मजबूरियां हो सकती हैं। पर जोधपुर शहर की जो तासीर है उसे ये कड़वापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे में 2023 की कहानी अब क्या होगी, यह फिलहाल कह पाना और देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 2023 के चुनाव के रण में अब बीजेपी ने जहां अपने 41 मोहरे उतार दिए हैं, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी अपने मोहरे तैयार कर लिए हैं। जल्द ही सियासत के इस दंगल में चुनावी हथियारों के साथ उन्हें उतारा जाएगा। ऐसे में यह चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। 2023 के चुनावी शतरंज में आखिर कौन बाजी मारेगा, यह कह पाना अभी बेहद मुश्किल होगा। लेकिन अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में अगर चुनावी टक्कर होती है तो इसका परिणाम बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगा। ये चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। आप लगातार सर्वोदय टीवी इंडिया के साथ बने रहें और देखते रहें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की पल पल की अपडेट। नमस्कार।